हाल ही में हुए टीवी शो 10 के दम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर सलमान ने तमाम सवालों का जवाब दिया, तो वहीं सलमान होस्टिंग को लेकर भी रणबीर सिंह का यहां पर मजाक बनाते दिखे। जी हां, जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने रणबीर सिंह के सवाल पर काफी ही ज्यादा एकदम मजाकिया तौर पर कहें या फिर यूं कहें कि उनका मजाक ही बना दिया। क्या कुछ रहा देखिए हमारी इस वीडियो में। Okay. जीते हैं लेकिन उनके हत्ते कुछ नहीं लगा। ओके थैंक यू मिस्टर सिंह। हाय, ज्योति फ्रॉम जूम इस तरफ। जी मेरा सवाल ये है कि अनाउंस होने के पहले ही, जब से ये न्यूज़ आ रही थी कि 10 का दम बन रहा है, उसी समय कई ये भी न्यूज़ आई थी कि दूसरे होस्ट हो सकते हैं जैसे रणवीर सिंह, कई नाम आ रहे थे, तो क्या प्लानिंग थी या सलमान के डेट इश्यूज़ थे, क्या मतलब ओवरऑल जानना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कभी कोई प्लान नहीं रहा और 9 साल हम लोगों ने वेट किया कि कब हम आपस में काम कर सकें। ये बहुत मसरूफ सुपरस्टार हैं हमारे इंडस्ट्री के, एंड जब अभी हमें मौका लगा कि उनके उनकी अवेलेबिलिटी और फॉर्मेट की अवेलेबिलिटी दोनों थे, तो हमने कहा ये सही वक्त है 10 साल के बाद दोबारा ये शो करने का। बीच में ऐसा कभी कोई हमने कुछ सोचा नहीं कि किसी और के साथ ये शो किया जाए। दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ अ फैक्ट। वंस 10 कदम फ्रॉम मी वेंट, you know, Singh Saab has never ever thought of anyone else hosting it but me. That I've also heard, and he's also mentioned this to me, and it's a proof ke 9 years have gone by and they could have very easily done Das Ka Dam with anybody else. Like, for example, Big Boss was Arshad Varshi, Shilpa Shetty, Amit Ji, you know, then me. जी सलमान, मेरा आपसे सवाल है कि बिग बॉस और 10 का दम, बिग बॉस का प्रोमो भी आउट हो चुका है कंटेस्टेंट्स के, तो किस तरह से शूट होने वाले हैं दोनों चीज़ें, आप कैसे एडजस्ट करने वाले हैं? एक्चुअली व्हाट आई वांटेड ना, दैट दीज कैमरास शुड हैव बीन इन द स्लॉट्स वेयर वी हैव आवर कैमरास, सो यू कैन हैव कवर्ड एवरीथिंग प्रॉपरली फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल्स, बट वो हुआ नहीं, सो यू विल गेट वन एंगल व्हिच इज नाइस। Okay, hi Salman.